नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक खुशखबरी है, पबजी जो है जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया में मोबाइल के ऊपर। हालांकि ये पीसी पर और गेमिंग कंसोल पर बैन नहीं है। काफ़ी लोग ये समझते हैं कि पबजी पूरी तरह से बैन हो गया है, तो मैं आपको बता दूं कि पबजी केवल मोबाइल वाला वर्जन जो है वो बैन हुआ है, और मोबाइल वाले वर्जन को चाइनीज कंपनी चलाती थी, यानी फ्रेंचाइजी चाइनीज कंपनी ने ले रखी थी। इसलिए केवल मोबाइल वाला जो वर्जन है, मोबाइल वाला जो ऐप्स है वो बैन हुआ है, मोबाइल पर नहीं खेल सकते। लेकिन आज की डेट में भी अगर आप इसको कंप्यूटर, लैपटॉप या गेमिंग कंसोल पर खेलना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, खेल सकते हैं। ऑलरेडी सभी लोग खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को है, तो ये समझिए कि जो बैन हुआ है केवल मोबाइल वर्जन बैन हुआ है, और यही सबसे ज़्यादा खेला जाता था मोबाइल पर ही और सबसे ज़्यादा फेमस था। तो यहाँ पर जो इसके लौटने की बात हो रही है वो हो रही है मोबाइल वाले वर्जन की, क्योंकि ऑलरेडी जो पीसी वाला है वो ऑलरेडी आप अभी भी आज की डेट में भी इसको डाउनलोड करके प्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो खबर आ रही है वो है कि पबजी मोबाइल जो है इंडिया में वापस जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसकी जो डील है रिलायंस जियो से चल रही है, लेकिन बीच में एक वीडियो मैंने नहीं बताई थी, रिलायंस जियो से डील चलते चलते इसकी डील पहुंच गई थी एयरटेल से, एयरटेल से भी इनकी बात चल रही थी, और काफ़ी सारी और भी जो कंपनियां हैं उनसे इनकी बात चल रही है। लेकिन अभी सभी जो बात है वो टेलीफोन से या मेल के द्वारा ही चल रही थी। यहाँ पर जो पबजी कॉरपोरेशन है, मैं आपको बता दूँ, पबजी कॉरपोरेशन पबजी गेम साउथ कोरिया का गेम है, यानी साउथ कोरियन कंपनी ने इस गेम को बनाया था और उसका हेडक्वार्टर वहीं है। पबजी मोबाइल जो इन्होंने फ्रेंचाइजी दी थी वो टेंसेंट गेम को दी थी, जो कि चाइना की कंपनी थी, और वही यहाँ पर इंडिया में और एशिया में वही सब देखती थी मोबाइल वाला जो गेमिंग प्लेटफॉर्म था। उसी के यहाँ पे एम्प्लॉय थे, टेंसेंट गेम की भी एम्प्लॉय थे, पबजी जो हम कहते हैं कि उसको सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए या चीज़ों को करने के लिए उसी के एम्प्लॉय थे, लेकिन पबजी कॉरपोरेशन साउथ कोरिया का कोई भी एम्प्लॉय इंडिया में नहीं था। तो अभी जो चीज़ है बिल्कुल प्रूफ है, लिंक्डइन एक वेबसाइट है, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है फेसबुक की तरह, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी प्रोफेशनल होते हैं, यानी कोई किसी कंपनी का सीईओ है, कोई रीजनल मैनेजर है, कोई मैनेजर है, कोई मतलब सारा ही प्रोफेशनल लोग वहाँ जुड़ते हैं। वहाँ पर जॉब पोस्ट भी होती है, हर एक कंपनी अपनी जो जॉब निकालती है उसको भी पोस्टिंग करती है कि हमें रिक्वायरमेंट है रीजनल सेल्स मैनेजर की, हमें रिक्वायरमेंट है मैनेजर की। तो वहाँ पर पबजी कॉरपोरेशन साउथ कोरिया ने इंडिया के लिए एक वैकेंसी निकाली है, एक पर्सन की वैकेंसी है, और ये जो मैनेजर है एसोसिएट लेवल का डेवलपमेंट मैनेजर होगा, यानी मार्केटिंग डेवलपमेंट मैनेजर होगा, जिसका काम होगा मर्जर एक्वाइजेशन और इन्वेस्टमेंट। वो फेस टू फेस मिलेगा जिस भी कंपनी से वहाँ के हेडक्वार्टर वाले लोग बात कर रहे होंगे पबजी के, फेस टू फेस वो मिलेगा, वो स्ट्रेटेजी बनाएगा और जो डॉक्यूमेंटेशन के काम होते हैं वो करेगा। तो ये पोस्ट अभी इसी मंथ में आई है लिंक्डइन पर, यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ, बस वो स्किल्स होनी चाहिए जो उन्होंने डिग्री मांगी है, वो चीज़ होनी चाहिए जो उन्होंने स्किल्स मांगी है, वो चीज़ होनी चाहिए, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो इससे इस बात को बढ़ावा मिलता है कि इनका ये पहला एम्प्लॉय होगा, क्योंकि अभी क्या है फिजिकल लोगों से जाके मिलना है, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन करना है, और बहुत सारे नियम कायदे कानून होते हैं उसको जाके समझना है फिजिकल, जो फोन से और कम्युनिकेशन से दूर डिस्टेंस कम्युनिकेशन से नहीं होता। तो यहाँ पर उनका पहला एम्प्लॉय आने वाला है और उसकी वैकेंसी आ गई है, तो वैकेंसी जल्दी से फिल ही हो जाएगी, और उन्होंने बाकायदा बताया है कि ये जो एम्प्लॉय होगा उसका काम क्या होगा। तो पहला है मर्जर एक्वाइजेशन। दोस्तों मर्जर एक्वाइजेशन का मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये होता है किसी कंपनी के साथ मिलकर टाई अप करना, यानी एक मेरी कंपनी है एक दूसरे आदमी की कंपनी है, हम किसी कंट्री में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो हम दोनों एक साथ मिल जाएं, ठीक है, प्रॉफिट आधा आधा हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे पबजी कॉरपोरेशन जैसे जियो के साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, एयरटेल के साथ करना चाहता है, और भी कई सारी कंपनियों के साथ इनकी बात चल रही है, तो ठीक है। तो यहाँ पर अब जो चीज़ें हैं, अब फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन करना है और एक कंपनी फॉर्मेशन करनी है, क्योंकि यहाँ पर भी एक कंपनी उनकी होनी चाहिए, तो इंडिया में कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंटेशन चीज़ है, ये सारी चीज़ें वो करेगा।
ठीक है, मोटा मोटा यही है, उसका यही काम है और उसका ज्यादातर फोकस रहेगा पबजी मोबाइल गेम के ऊपर, ज्यादा फोकस रहेगा। और पबजी जो पीसी लैपटॉप पे खेला जाता है, गेमिंग कंसोल पे खेला जाता है, उसकी भी जिम्मेदारी उसी की रहेगी। ठीक है, उसके लिए भी फ्रेंचाइजी पार्टनर ढूंढना या किसी कंपनी से टाई अप करना, एक्वाइजेशन मर्जर, ये सारी चीज़ें उसी का रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है वो है कि उसका जो मैन फोकस है, कंपनी का जो मैन रिवेन्यू है, वो आता है मोबाइल पर। जब हम पबजी मोबाइल पर जब गेम खेलते हैं तो उससे ज़्यादा उसका रिवेन्यू आता है। तो कंपनी इसीलिए छटपटा रही है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और सबसे ज़्यादा यूज़र यहीं पे थे, तो दोबारा से किसी तरह से यहाँ पर उसको लाया जाए। हालांकि उन्होंने जो इंडिया का टेंसेंट गेम से जो फ्रेंचाइजी थी उनसे छीन ली है, उन्हें हटा दिया है, चाइनीज कंपनी को हटा दिया है इंडिया में। मतलब वो चाइनीज कंपनी और अदर कंट्री में उनके साथ है लेकिन इंडिया के लिए नहीं है। इंडिया में नया फ्रेंचाइजी पार्टनर ढूंढने के बाद ये गेम वापस आ जाएगा। हालांकि ज़्यादा इशू नहीं है, जो इंडियन गवर्नमेंट का इशू है, इंडियन लोगों का इशू है, वो सिर्फ चाइनीज से है। तो चाइनीज इसमें सिर्फ चाइनीज कंपनी केवल फ्रेंचाइजी देखती थी, यानी उसने जैसे मेरी कंपनी है इंडिया में व्यवसाय करती है और मुझे किसी बांग्लादेशी कंपनी ने अप्रोच किया कि आपका जो ये प्रोडक्ट है बांग्लादेश में हम बेचेंगे और आपको भी कमीशन देंगे और हम भी खाएंगे, तो इस हिसाब से मैंने उसको बांग्लादेश में बेचने की फ्रेंचाइजी दे दी और मुझे लगा कि वो मेरे प्रोडक्ट को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता या उसमें कुछ मिलावट करता है, तो मैंने उसे हटा दिया। मैंने कहा भैया अब हमारा माल आप नहीं बेचोगे, मैं किसी और दूसरे आदमी को देखूंगा। तो फ्रेंचाइजी इसी तरह से है। तो यहाँ पर पबजी का जो ये वाला सीन है, यानी लिंक्डइन पर जो पोस्ट है, लिंक्डइन कोई ऐसी छोटी मोटी वेबसाइट नहीं है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट है और यहाँ पर मेरा भी प्रोफाइल है क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल हूँ और मैं भी जॉब करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है, ये सारी चीज़ें जल्दी से सिमट जाएंगी क्योंकि अब जो बातें हैं वो फाइनल होने के कगार पे है और डॉक्यूमेंटेशन, कंपनी फॉर्मेशन और सीए से मिलना, ये सारी चीज़ें करने के लिए एक पर्सन होना चाहिए जो फेस टू फेस सारी चीज़ें करे, तो उसके लिए वैकेंसी है। तो दोस्तों यहाँ पर अब लग रहा है कि पबजी शायद इस साल के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाए मोबाइल पर दोबारा से। हालांकि आज की डेट में भी आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके आराम से पीसी पर खेल सकते हैं, कोई भी लीगल काम नहीं है क्योंकि पीसी मोबाइल का जो वर्जन है, जो गेमिंग कंसोल का वर्जन है, वो बैन नहीं हुआ, केवल पबजी मोबाइल का जो एप्स है वो मतलब प्ले स्टोर से हटाया गया है, वो बैन हुआ है प्ले स्टोर से, iOS से। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं पबजी बैन है, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी लोग खेल रहे हैं, जिसको खेलना है अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करो और आराम से खेलो। लेकिन इसके सबसे ज़्यादा खेलने वाले यूजर और सबसे ज़्यादा नशा था जो मोबाइल पर खेलते थे, मोबाइल पर जो ऐप्स आता था, लोग उसी का वेट कर रहे हैं क्योंकि मोबाइल हर जगह आपके हाथ में रहता है, आप पीसी कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।